दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को दुनिया का सबसे महानतम खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चेन्नई के मैदान पर लखनऊ और धोनी की पलटन के बीच दिखा रोंगटे खड़े कर देने वाला महामुकाबला, जहां एक तरफ ऋतुराज गायकवाड़ ने तूफानी अंदाज में शतक ठोक लखनऊ के सामने खड़ा किया पहाड़ जैसा लक्ष्य, तो फिर जवाब में चेन्नई के गेंदबाजों ने भी दिखाया जबरदस्त जलवा। तो आखिर लखनऊ को किस बल्लेबाज ने कराई मैच में वापसी? इन दोनों टीमों में कौन बना विजेता? किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट? किस खिलाड़ी ने दिलाई अपनी टीम को कभी ना भूलने वाली जीत? दोनों टीमों के बीच खेले गए अंतिम गेंद तक रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी और ऋतुराज गायकवाड़ में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान? अपनी राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल का 29वां मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट और चेन्नई सुपर किंग के बीच चेन्नई के एम एच चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और चेन्नई सुपर किंग को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। चेन्नई की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर अजिंक्य रहाणे के साथ ऋतुराज गायकवाड़ आए, वहीं लखनऊ की तरफ से पहले ओवर लेकर आए मैट हेनरी बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। चेन्नई के बल्लेबाजों को रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। मैट हेनरी ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर अजिंक्य रहाणे को केएल राहुल के हाथों कैच पकड़वाकर पहली सफलता अपनी टीम को दिला दी। चेन्नई सुपर किंग का पहला झटका केवल 4 रनों के स्कोर पर लग गया। चेन्नई का स्कोर एक ओवर में केवल 4 रन बन पाया। अब मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज डैरिल मिचेल आ चुके थे। वहीं लखनऊ की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए मोहसिन खान, इनका स्वागत मिचेल ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने भी मोहसिन खान की 4थी गेंद पर करारा शॉट लगाते हुए चौका जड़ दिया। इसके बाद भी गायकवाड़ रुकने का नाम नहीं लिए, 5वीं गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। टीम के स्कोर को 2 ओवर में 20 रनों तक इन दोनों बल्लेबाजों ने पहुंचा दिया। लखनऊ की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मैट हेनरी, इस ओवर में भी वो बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। चेन्नई के बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। इस ओवर में भी सिंगल डबल से संतुष्ट होना पड़ रहा था। 3 ओवर में चेन्नई का स्कोर केवल 25 रन बन पाया। लखनऊ की तरफ से 4था ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक स्पिनर गेंदबाज रवि बिश्नोई, तभी दूसरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया, बल्कि टीम के ऊपर से प्रेशर को भी हटाया। इसके बाद भी ऋतुराज गायकवाड़ रुकने का नाम नहीं लिया, बिश्नोई की तीसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में 37 रनों तक पहुंचा दिया। लखनऊ के लिए 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर मैट हेनरी, इनका स्वागत पहली गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया, तीसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर अपनी टीम के स्कोर को रफ्तार में आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की। 5 ओवर में चेन्नई का स्कोर 1 विकेट पर 48 रनों तक पहुंच गया। धीरे धीरे इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए लखनऊ के सबसे खतरनाक गेंदबाज यश ठाकुर और आते ही उन्होंने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर अपना शिकार डैरिल मिचेल को बनाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और चेन्नई सुपर किंग को 49 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग गया। लेकिन कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर टिके हुए थे, उनका साथ देने के लिए अब चेन्नई के नए बल्लेबाज रविंद्र जडेजा आ चुके थे। चेन्नई का स्कोर पावर प्ले के 6 ओवर में केवल 49 रन बन पाया था। लखनऊ की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए एक बार फिर रवि बिश्नोई, 5वीं गेंद पर रविंद्र जडेजा ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 7 ओवर में 56 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद भी दोनों बल्लेबाज रुके नहीं, एक के बाद एक कई चौके लगाते गए। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने अपना तूफानी अर्धशतक भी ठोक दिया और टीम के स्कोर को 10 ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 2 विकेट पर 85 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन टीम के लिए 12वां ओवर लेकर आए मोहसिन खान ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर रविंद्र जडेजा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। चेन्नई को 101 रनों पर तीसरा झटका लग गया, लेकिन ऋतुराज मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए शिवम दुबे आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चेन्नई की पारी को संभालते हुए अपनी टीम को 15 ओवर में 135 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं गायकवाड़ अपने शतक की तरफ धीरे धीरे बढ़ गए। लखनऊ की तरफ से 18वां ओवर लेकर आए मोहसिन खान, तीसरी गेंद पर पहले शानदार छक्का जड़ा और फिर 4थी गेंद पर शानदार चौका जड़कर उन्होंने अपना तूफानी शतक केवल 56 गेंद में ठोक दिया। चेन्नई का स्कोर भी तेजी से आगे बढ़ गया। वहीं शिवम दुबे भी अपने अर्धशतक के काफी नजदीक थे और मोहसिन खान के ओवर की 4थी गेंद पर दुबे ने शानदार छक्का लगाकर अपना तूफानी अर्धशतक केवल 22 गेंद में ठोक दिया।
अंतिम ओवर फेंकने आए मार्क स्टोइनिस और पहली गेंद पर दुबे ने शानदार छक्का लगाकर टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन चौथी गेंद पर शिवम दुबे रन आउट हो गए। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए महेंद्र सिंह धोनी और अंतिम गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपनी टीम को 20 ओवर में 210 रनों तक पहुंचा दिया और लखनऊ के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा किया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी ओपनिंग करने मैदान पर आए केएल राहुल के साथ डिकॉक, वहीं चेन्नई की तरफ से पहला ओवर लेकर आए दीपक चहर और आते ही उन्होंने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर डिकॉक को अपना शिकार बना लिया और अपनी टीम को पहली सफलता। पहले ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल एक रन बन पाया था। वहीं चेन्नई की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे और इनका स्वागत चौथी गेंद पर राहुल ने शानदार छक्का लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। दो ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 11 रन एक विकेट पर बन पाया। चेन्नई की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर दीपक चहर, इनका स्वागत मार्क स्टोइनिस ने तीसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी स्टोइनिस रुकने का नाम नहीं लिए, पांचवी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में 21 रनों तक पहुंचा दिया। चेन्नई की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर तुषार देशपांडे भी खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन तभी पांचवी गेंद पर मार्क स्टोइनिस ने शानदार चौका लगाकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और 4 ओवर में लखनऊ का स्कोर 29 रनों तक पहुंच पाया। टीम के लिए पांचवा ओवर लेकर आए चेन्नई के सबसे खतरनाक गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान, लेकिन इनका स्वागत इस बार राहुल ने ओवर की पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया, लेकिन मुस्तफिजुर रहमान इस मौके का बदला लेते हुए ओवर की चौथी गेंद पर राहुल को पवेलियन का रास्ता दिखाया, चेन्नई को दूसरी सफलता दिला दी। 33 रनों के स्कोर पर लखनऊ का दूसरा विकेट गिर गया, लेकिन मार्क स्टोइनिस मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब देवदत्त पडिक्कल आ चुके थे। 5 ओवर में लखनऊ का स्कोर केवल 33 रनों तक बन पाया था। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी आ चुकी थी। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए एक बार फिर तुषार देशपांडे, इनका स्वागत मार्क स्टोइनिस ने पहली और दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में 45 रनों तक पहुंचा दिया। ये दोनों बल्लेबाज बेहद ही आक्रामक अंदाज में बैटिंग कर रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बाद लखनऊ के और भी बल्लेबाज मैदान पर बैटिंग करने के लिए आते गए। इस मैच को अपनी टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन चेन्नई के गेंदबाज भी मैच को पलटने में माहिर थे और ये मुकाबला अंतिम ओवर तक जा पहुंचा। फिर तो दोनों टीमों में किसी एक टीम को विजेता बता पाना काफी मुश्किल था। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, चेन्नई सुपर किंग और लखनऊ में कौन है सबसे मजबूत टीम? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।